हेलो बच्चों, आप सभी कैसे? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए आपने ईद और रक्षाबंधन के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी व्याकरण बुक वर्तिका का पाठ 4, जिसका नाम है लिंग। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं लिंग की परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। एक बार और इस परिभाषा को हम समझ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। एक चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। इस चित्र को देखकर हम लिंग की पहचान को भली भांति पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं चित्र। इस चित्र में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा चित्र हम देखते हैं। इस चित्र में माँ खाना बना रही है। तो उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को हमने ध्यान से सुना। यहां पिताजी शब्द से पुरुष जाति का तथा माँ शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। कुछ वाक्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। उन वाक्यों को आपको ध्यान से देखना है और उन्हें पढ़ना भी है। प्रथम वाक्य हम देखते हैं। मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। माताजी कपड़े धो रही हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मेरे चाचा जी बनारस में रहते हैं। तो बच्चों, जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हमें उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जैसे इसके पहले जो हमने वाक्य आपको दिखाए थे और आपने उन वाक्यों को सुना, उन वाक्यों में था बिल्ली और माताजी के साथ क्रमशः बैठी है और रही है आ रहा है या लिखा गया है, क्योंकि ये स्त्री जाति के हैं। ऐसे ही पिताजी और चाचा जी के साथ क्रमशः रहे हैं और रहते हैं लिखा गया है, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग के बच्चों दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, नगर, फल, राम, हिमालय आदि, ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अब हम जान लेते हैं स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का पता चले, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी आदि, ये हमारे स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब हम बच्चों जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं उनको हम जान लेते हैं, या ऐसे नाम कौन कौन से हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही उपयोग किए जाते हैं, उनका विवरण आज हम जानते हैं। इनमें सबसे पहले आता है हिंदी दिनों और महीनों के नाम। हिंदी दिनों में सोमवार, मंगलवार आ जाएंगे। महीनों में आ जाएगा चैत्र, वैशाख, फाल्गुन, आषाढ़ आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, यूरोल आदि। वृक्षों और फलों के नाम, इसमें हम नाशपाती और लीची को छोड़ देंगे, बाकी अन्य जो फल आते हैं वो सभी हमारे पुल्लिंग में आएंगे। देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि।
अन्य धातुओं के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें हम सिर्फ चांदी को छोड़ देते हैं, सोना, लोहा, पीतल आदि। अन्य सभी ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, मंगल, बृहस्पति आदि, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर। अनाजों के नाम दाल, चावल, गेहूं आदि सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। रत्न के नाम, रत्नों के नाम जो मणियां होती हैं, रत्न होते हैं, उनके नाम नीलम, हीरा, पन्ना आदि। अन्य फूलों के नाम कमल, गुलाब आदि, इसमें हम चमेली और नरगिस के फूलों को पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं लेते। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं का, खा, गा, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये तो हमने समझे प्रायः पुल्लिंग रहने वाले नाम। अब हम जानते हैं प्रायः जो स्त्रीलिंग होते हैं उनके नाम। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। तिथियों के नाम प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि, पंचमी तिथि आदि सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। अर्थात कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन शब्दों के अंत में आहट आता है, आवट आता है, आश प्रत्यय लगे होते हैं, ये सारे शब्द भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बंदरिया, खटास, मिठास आदि। भाषाओं, लिपियों के नाम हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। तो बच्चों, ये थे प्रायः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहने वाले नाम। अब हम जानते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की कुछ प्रक्रिया। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं नी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाना। सिंह, सिहनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, ये थे नी लगाकर स्त्रीलिंग बने हुए शब्द। अब हम अंत में इनी शब्द को जोड़कर बनाते हैं कुछ शब्द, देखते हैं। अभिमानी, अभिमाननी, तपस्वी, तपस्विनी, ओजस्वी, ओजस्विनी, मानी, माननी, स्वामी, स्वामिनी, प्रार्थी, प्रार्थिनी। अंत में इया जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं, बेटा, बिटिया, बंदर, बंदरिया, बछड़ा, बछिया, बूढ़ा, बुढ़िया। अंत में इन लगाकर कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, माली, मालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, धोबी, धोबिन, नाती, नातिन, ग्वाला, ग्वालिन, मालिक, मालकिन, पापी, पापिन, कहार, कहारिन। अब इन अंत में बड़ी ई लगाकर हम कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, पोता, पोती, चाचा, चाची, नाना, नानी, देव, देवी, नर्तक, नर्तकी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, पुत्र, पुत्री। अब अंत में आनी शब्द लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। अंत में इका शब्द लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, साधक, साधिका, सहायक, सहायिका, लेखक, लेखिका। वान के स्थान पर वती शब्द लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, गुणवान, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, गुणवती, दयावान, दयावती, भाग्यवान, भाग्यवती, बलवान, बलवती।
अंत में आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। भव दिए भव दिया, आचार्य आचार्या, छात्र छात्रा, सदस्य सदस्या, शिष्य शिष्या, सुत सुता। कुछ शब्द पूरी तरह से बदल जाते हैं, जैसे पिता माता, नर मादा, पुरुष स्त्री, बेटा बहू, श्रीमान श्रीमती, बैल गाय। तो बच्चों, ये थे हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने की प्रक्रिया। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा, हम इसको एक बार और दोहरा लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने जाना था लिंग की परिभाषा। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। साथ ही हमने प्रायः पुल्लिंग रहने वाले और प्रायः स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों को भी जाना। तो बच्चों, आपको इस पाठ को बहुत ध्यान से एक बार और पढ़ना है तथा लगातार आपको घर में रहते हुए अध्ययन करते रहना है। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। Thank you.